जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस, यहां पर मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में एक फाइनल फॉर्म फिलअप वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने इस फॉर्म को भरने में आ रही है। जहाँ पर आप यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर, इसके अलावा जो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं उसमें, फिर पेमेंट में एंड डॉक्यूमेंट अपलोड में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनका क्या सोल्यूशन है वो आपको बताया जाएगा। एंड जो आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या इसमें हमें लास्ट डेट आगे बढ़ेगी यानी कि मौका मिलेगा और भी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मौका मिलना होता तो आज की डेट यानी कि 6 अप्रैल तक मिल गया होता। अभी तक कोई भी नोटिस इस बारे में नहीं आया है और मुझे नहीं लगता कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। तो आपकी लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 रात 12 बजे तक है। इसलिए गाइज आपको यहां पर इसको जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है फीस पे करने तक, नहीं तो आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। एंड अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सर्वर से जुड़ी हुई, तो आपको इस फॉर्म को आज रात 12 से 1 बजे के बाद या फिर रात में जितना भी लेट हो सके 2 बजे 3 बजे उस वक्त ट्राई करना है। उस वक्त वेबसाइट का सर्वर बिल्कुल बहुत ही स्लो होगा और कोई भी आपके सामने जो वेबसाइट के अंदर अभी एरर आ रहे होंगे वो एरर नहीं आएंगे। यही एकमात्र आपके पास सोल्यूशन है अगर आपके सामने इस फॉर्म को भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म को भरना है। तो गाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे एंड अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आ जाने के बाद में आपको इसमें क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। आपको यहां पर इस नोटिस में ये बोला है कि अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा था तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उसी से यहां पर लॉग इन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इंडिया सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर जो भी आपका फुल नेम है वो आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसको दोबारा डाल करके आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे एंड देन यहां पर आपको पूछा कि आपने आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मदर नेम देना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद यहां पर गाइज आपको आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई यूजिंग आधार, इसके ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और ईमेल जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आपको ओटीपी में प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको रात में आज के 12 से 1 बजे या फिर 2 बजे ट्राई करना है, उस वक्त आपको ओटीपी मिल जाएंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। सेम वे में आप नंबर डाल करके वेरीफाई करेंगे ओटीपी के द्वारा एंड यहां पर फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी वो सभी आप वेरीफाई करते हुए इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आप यहां पर होम पेज पर आइएगा और आपको अब आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो ईमेल आईडी या फिर नंबर आपने रजिस्टर किया है वो यहां पर डालना है, जो पासवर्ड बनाया है वो आप यहां पर डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन के अंदर जो जानकारी आपने भरी, कुछ जानकारी वहां से फैच की जाएगी और कुछ जानकारी अभी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि गाइज यहां पर मेरिटल स्टेटस आप बताएंगे, फिर आपका रिलीजन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपसे पूछे कि आपको जो फीस के अंदर एग्जेप्शन मिलती है एससी एसटी को क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे आपको कुछ और जानकारी देनी है, जिसमें कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम, एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी बॉडी के ऊपर एक परमानेंट विजिबल मार्क जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सके, उस मार्क को आप यहां पर लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है तो आप दोनों में नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल एससी एसटी जो भी है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो फिर यहां पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। प्रमाण पत्र क्रमांक यहां पर सर्टिफिकेट नंबर में भरा जाएगा और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसकी डेट है 10 जनवरी 2024, तो यहां पर आपको डेट ऑफ इशू में इस तरह से वो डेट डालनी है जो कि आपकी सर्टिफिकेट की डेट है, इशू डेट। और इश्यूंग अथॉरिटी यहां पर काफी सारी दी गई है, तो इसमें जो इश्यूंग अथॉरिटी है वो है तहसीलदार, तो आप यहां पर जो भी आपके सर्टिफिकेट पर लिखा है वही आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तो मैं यहां पर तहसीलदार सेलेक्ट करूंगा। अब इसमें यहां पर तहसीलदार के नाम से कोई एग्जैक्टली पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो एक यहां पर है तालुका मजिस्ट्रेट, इसी को तहसीलदार कहते हैं, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर गाइज इश्यूंग स्टेट बताएंगे कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है और फिर आपको यहां पर डेट ऑफ इशू बताना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि डेट ऑफ इशू यहां पर आपकी दी गई है और ये आपका अथॉरिटी का नाम है जो कि सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है। फिर यहां पर बोला कि क्या जो फ्री रेल
ट्रेवल पास मिलता है एग्जाम के लिए, क्या आप उसको लेना चाहेंगे? अगर हाँ तो यस करें। यस करने के बाद में जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है वो आप लिख दीजिए, और फिर आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट PDF का हो और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसको ओपन कर देंगे और फिर यहाँ से सेव करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, फिर आपके विलेज, टाउन, सिटी का नाम और आपका पिन कोड। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और सवाल है जैसे कि एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, रेलवे के आप एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट, अगर आप यहाँ पर इसमें नो किए हैं ऊपर वाले में तो आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दें। इसके बाद क्या, अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है आपकी फीस रिफंड के लिए, जिसमें कि आपको अकाउंट का नाम देना है कि किस नाम पर आपका बैंक अकाउंट है, और अकाउंट नंबर देना है एंड IFSC कोड देना है, और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप गाइज आपके बैंक और जो उसका एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। फिर आप सेव करेंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले आपको 10वीं की जानकारी देनी है, तो आप यहाँ पर इसमें 10th सेलेक्ट करके इसमें आपकी स्टेट बताएंगे कहाँ से आपने 10वीं की है, आपकी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, आपका बोर्ड बताएंगे एंड फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग बताना है और आपका रोल नंबर भर देना है। जिनकी डेट नहीं है पासिंग की वो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट दे सकते, कोई भी इशू नहीं होगा। और फिर आप यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे, दोबारा ऐड के ऊपर क्लिक करके आप दूसरी कौन सी क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने डिप्लोमा सेलेक्ट किया था, तो फिर आपको आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ से पास किया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है वो आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, और डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेनी है और ऐड के ऊपर क्लिक करके अब आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है, तो आपको बताया कि आपके फोटो का जो चौड़ाई है वो कितने पिक्सल में होनी चाहिए और लंबाई कितने पिक्सल में होनी चाहिए, साइज 30 से 70 KB के बीच में रखा है और साइन कैसा होना चाहिए उसका डेमो भी आपको यहाँ पर दिया है। तो आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसको अपलोड कर देंगे। तो जैसे कि डेमो के लिए मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर आप यहाँ पर इसको राइट के ऊपर टिक कर दीजिए और फिर आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो गाइज मैंने डेमो के लिए यहाँ पर ये फोटो सेलेक्ट किया, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब हम यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके यहाँ पर फाइल फोटो एंड सिग्नेचर की फाइल सेव हो चुकी है। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस देनी है कि आपको किस नंबर पर किसको रखना है इस तरह से, और ये देने के बाद में आपको यहाँ पर तीसरे वाले के ऊपर टिक करना है और जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है या फिर भर रहे हैं उस सिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर अब आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपको यहाँ पर नीचे इसमें इसके ऊपर टिक करना है, ये टिक करने के बाद में आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए, जो भी जानकारी भरी है उनको चेक कर लीजिए, यहाँ पर टिक कर दीजिए और यहाँ से गाइज आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद एक बार फिर सबमिट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जमा कर देनी है। अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाती है और अपडेट नहीं होती है तो आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर के वेरीफाई पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अपने पेमेंट को वेरीफाई करना है एंड अगर कोई एरर आता है तो आप रात में जैसे कि मैंने कहा कि ट्राई कीजिएगा, आपकी फीस यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको सभी जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।